हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं बीम एनजी। और हमारे पास यहाँ पर है कुछ इंडियन गाड़ियाँ, जिसमें की है रेंज रोवर, थार, और ये किया की सेल्टोस, होंडा सिटी, ह्युंडई क्रेटा, ह्युंडई i20, और सबसे आगे है स्विफ्ट। तो हमें आज करना क्या है, जो कि खतरनाक टास्क होने वाला है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं 6 हैमर्स, जो कि बहुत तेज़ी स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, जैसे कि आपको इनके साउंड से आइडिया लग ही गया होगा। और हमें इन हैमर्स को क्रॉस कर यहाँ पर पहुँचना है, ये एक सेफ जोन में। और यहाँ पर हमें इसे क्रॉस करने के लिए हमें हमारी गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट रखनी पड़ेगी, जो मतलब एक अच्छी स्पीड फास्ट भी और एक अच्छी टाइमिंग भी, ताकि वो किसी भी हैमर से बच बचा कर लास्ट में पहुँच जाए। पर मुझे नहीं लग रहा कि हर गाड़ी इसको ईजिली से क्रॉस करने वाली है, क्योंकि हर हैमर जो है आप देख ही पा रहे होंगे किसी ना किसी टाइम पर एक हैमर नीचे ही है, तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। तो हमारे पास गाड़ियाँ जैसे कि मैंने आपको बताई थी, तो सबसे पहले हम आएंगे स्विफ्ट के साथ, उसके बाद जैसे कि आप लाइन वाइज गाड़ी देख रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास है रेंज रोवर और थार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी गाड़ी है, तो गाइस सबसे पहले हम आ रहे हैं मारुति की स्विफ्ट के साथ, और अब गाड़ी को देते हैं एक्सेलरेशन। स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर स्पीड कम होगी तो टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो स्विफ्ट ने एक्सेलरेशन दे दी है, और स्पीड हमारी गाड़ी की पहुंच चुकी है अभी तक 90। तो लेट्स सी 90 क्रॉस, और ओके 2, 3, 4, 5, 6। ओ, स्विफ्ट सारे हैमर क्रॉस कर चुकी है पहली ही बारी में, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट ये मानो कि स्पीड स्लो होने के कारण इसको एडवांटेज, या स्लो के कारण मिली या तेज़ होने के कारण मिली, जो भी था, बट काफ़ी इजीली स्विफ्ट ने ये हैमर्स क्रॉस कर लिए हैं। तो अब आगे देखते हैं बारी। तो गाइस अब बारी है होंडाई i20 की, तो ये देखते हैं गाड़ी को मारा है सेल्फ, और चलते हैं अब आगे। अब ये देखते हैं कि क्या ये इस खतरनाक हैमर्स वाले को क्रॉस कर सकती है इस रास्ते को। स्विफ्ट लेट्स सी, गाड़ी की स्पीड अराउंड 120। ओके, और नहीं, ओ नहीं 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 गाइस, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ i20 का। तो इसको एक नहीं दो हैमर पड़ी है, एक पहले और एक बाद में, और गाड़ी का इंजन बंद हो चुका है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, और तीसरे गियर भी अटकी रह गई, और ये बहुत तेज़ तेज़ रोटेट कर रहा है। तो खैर अब आते हैं अगली गाड़ी के साथ। तो गाइस अब बारी है ह्युंडई क्रेटा की, इससे पहले सिर्फ, और लेट्स सी, और एक्सेलरेशन हमने दी है गाड़ी, ये सबसे ज़्यादा स्पीड तेज़ आई गेस कवर कर लेगी, और गाड़ी की स्पीड क्रॉस कर चुकी है 110 और 120। ये भी फोर नहीं, ये पहले ही हैमर में जाके टकरा गई है, और बस, और गाड़ी का इंजन वो पड़ा भाई साहब, ख़त्म हो गई, और ये पता नहीं कहाँ पे घर की छत में जाके फंस गई है। हालत देखो गाड़ी की बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, और ये क्या घूम रहा है, और इसके अंदर का गियर बॉक्स वगैरह सब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इंजन तो है नहीं, इंजन वो पड़ा इस गाड़ी का। ऐस अब बारी है हमारी होंडा सिटी की, इससे पहले जैसे कि आपने देखा स्विफ्ट तो क्रॉस कर गई थी, बट i20 और क्रेटा का जो बुरा हाल हुआ, और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा लग रही है, तो लेट्स सी कि स्पीड की एडवांटेज ये गाड़ी ले सकती है या नहीं। और बीच में कुछ पड़ा भी है, मुझे उससे भी बच के जाना पड़ेगा, टायर पड़ा जाए तो जी क्या था भाई। और गाइस होंडा सिटी को तो पहला ही पड़ा, और सीरियसली ये क्या हुआ इसके साथ, और ये समुंदर की गहराइयों में जाती हुई गाड़ी, बिल्कुल ख़त्म गाड़ी, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, और ये कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता। पहला हैमर इतना ख़तरनाक पड़ा ना उस गाड़ी को, मतलब गेम से ही बाहर कर दिया। तो अब बारी है सेल्टोस, हमने करा है गाड़ी स्टार्ट, लेट्स सी ये कैसे करने वाली है कि ये रास्ते को क्रॉस कर सकती है। ओके, तो स्पीड सबसे ज़्यादा, टायर ये अभी तक यहाँ पे है, ओके टायर से हटा दिया, और ओके गाइस, तो किया सेल्टोस भी क्रॉस कर गई है सेफली। अब तक सिर्फ दो गाड़ियाँ, एक हमारी स्विफ्ट और किया की सेल्टोस, जो क्रॉस कर पाई हैं, पर गाड़ी क्रॉस तो कर गई है, पर आगे टकराने के बाद इन बम्पर से गाड़ी ख़राब हो गई है, और ये अब चल नहीं रही है।
तो एनीवे अब आते हैं हमारी थार के साथ। तो गाइस अब बारी है थार की और इसके पास पावर बहुत है। ओके गाड़ी हो गई स्टार्ट और जैसा कि आपने स्पीड का अंदाज़ा आपको लग गया होगा। ओके तो गाड़ी करो कर चुके 160। ओके नहीं भाई ये भी पहली एमर में ही इसका भी सिटी की जैसा हाल हुआ। पर वाह भाई देखो क्या हाल हुआ गाड़ी का, सब बम्पर बम्पर सब टायर वायर सब ख़त्म, इंजन तो है ही नहीं गाड़ी का, मतलब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ये दो टायर बचे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि बाकी के दो टायर कहाँ गए इसके, क्या वो वहीं पर है वहाँ पे देखें, इधर तो कुछ नहीं बचा सीरियसली में, ख़त्म है सब। उधर देखें क्या उधर, ये देखो गाइस ये क्या पड़ा है, ये शायद इसका हाँ इसकी रूफ फेरी और इसके विंडशील्ड, दो चीज़ें इसकी यहाँ पड़ी हैं और कुछ है यहाँ पे पानी में ये क्या है। ओके ये इसकी नहीं, ये इसकी नहीं है, ये होंडा सिटी की है लास्ट वाली गाड़ी की, तो इनके टुकड़े यहाँ पड़े हैं, तो यहाँ पे भी कुछ पड़ा है क्या इसका, नहीं यहाँ कुछ नहीं पड़ा। और ये क्या पड़ा, ये टायर पड़ा है, ये टायर किसका, ह्योंडाई का, तो ये मे बी इसका टायर होगा, ये इसका हो सकता है और किसी का तो नहीं होगा। खैर चलो अब हमारी बारी है हमारी लास्ट कार जो कि है रेंज रोवर, लेट्स सी ये कैसे करने वाली है। तो इसको दिया सल्फ और स्पीड इसकी भी बहुत ज़्यादा, लेट्स सी कि ये क्रॉस कर सकती है। स्पीड तो बहुत अच्छी है बट स्पीड से कुछ होने नहीं वाला, टाइमिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और भाई साहब बस वो क्या उछल के गया, मेरे को वो देखना है सबसे पहले जो इतनी दूर जा रहा है, कहाँ गया वो शायद गुम हो गया भाई, वो नहीं मिलेगा। पर अब गाड़ी की मैं हालत आपको दिखाऊँ कहाँ है गाड़ी, ये दी गाड़ी कहाँ गई भाई, बुरा बुरा धुआं आ रहा है। ये देखो गाइस ये गाड़ी की हालत देखो, आप देख रहे हो बिल्कुल, मतलब ये सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया इसका और पूरी शेप हैमर की बन गई है इसकी, तो मतलब इसको बिल्कुल बीच सेंटर में टच लगाया हैमर और इंजन इसका इंटैक्ट है। तो ओके गाइस गाड़ी चल रही है, तो ये बिल्ड क्वालिटी आप टाटा की बोल सकते हो, ये गाड़ी अभी भी चल रही है पानी के अंदर। अब ये देखना कितनी देर तक चल सकती है, इसको पानी से बाहर निकाल सकती है, नहीं। और स्टेयरिंग भी चल, अब ख़त्म, अब डेड हो गया है, अब इंजन डेड हो चुका है गाड़ी का। तो मतलब पहले कुछ देर चला ये, तो सबसे अगर मैं बुरी हालत बोलूँ तो सबसे बुरी हालत हुई थी थार की, ये पड़ी, और उसके बाद हुई थी होंडा सिटी की, ठीक है। और उसके बाद जो सेफली गाड़ियाँ जो दो पहुँची हैं वो है हमारी स्विफ्ट और सेल्टोस, और i20 का भी बहुत बुरी हालत आप देख सकते हो, और ये तो बस किसी घर में अटकी पड़ी है क्रेटा, तो आधा आधा इसका यहाँ पे अटक चुका है, आधा इसका मुझे नहीं पता इसका कहाँ ये पड़ा, ये क्या है। ओके इसकी विंडो पड़ी है एक, ओके और इसका इंजन मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पड़ा था इसका इंजन, ये रहा इसका इंजन गाड़ी का। खैर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।